जहां एक तरफ पूरे पंजाब में आज का युवा अपने अच्छे भविष्य के लिए विदेश की ओर रुख कर रहा है और सोच रख रहा है कि अब पंजाब में कुछ नहीं रहा और ना ही रोजगार है और ना ही अच्छा भविष्य, उसी में ब्रह्मजोत कौर का एक उदाहरण है उन सभी के लिए कि अगर मेहनत और लगन की जाए तो हर चीज को हासिल किया जा सकता है। वहीं ब्रह्मजीत कौर ने अग्निवीर में अपना भविष्य आजमाया और आज वे अग्निवीर के जरिए भर्ती हो चुकी हैं। ब्रह्मजोत कौर पूरे जम्मू कश्मीर और पंजाब में हुए ट्रायल से चुनी गई हैं। वहीं जब इसके बारे में ब्रह्मजोत से बात की गई तो उन्होंने बताया कि महज 22 साल की उम्र में वे अग्निवीर के जरिए देश की सेवा करने के लिए सामने आई हैं और उन्हें भारत सरकार द्वारा चलाई अग्निवीर से फौज में आने का मौका मिला है। वहीं ब्रह्मजोत कौर ने बताया कि उनके माता पिता ये चाहते थे कि वो विदेश जाएं और वहां अपना अच्छा भविष्य बनाएं, लेकिन उन्होंने बताया कि उसका पहले से ही सपना था कि वो भारत में फौज में रहकर भारत की सेवा करे, तो उसे लेकर जो अग्निवीर के तहत वो भर्ती होनी थी उसमें उसने अपनी किस्मत आजमाई। पंजाब में आके मैंने अपनी स्कूलिंग की थी 10th स्टैंडर्ड एंड आफ्टर दैट प्लस टू करने तो बाद मैं पटियाला शिफ्ट हो गई सी महिंद्रा कॉलेज पटियाला एंड उतो मैंने बीए डिग्री की थी एंड मैं लॉ कर रही हूँ। देखो जो अग्निवीर आई सी देर वॉज अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट अमंग द कैंडिडेट्स एंड द यंगस्टर्स दे वर ट्राइंग टू विदड्रॉ द स्कीम बट अपार्ट फ्रॉम दैट दैट ऑल पॉलिटिकल एजेंडा अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल वट आई फील्ड दैट देर वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी नॉट ओनली फॉर मी बट ऑल्सो फॉर अदर कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर द रैली सो दैट अपॉर्चुनिटी इट इज़ अपॉन अस दैट हाउ वी आर लुकिंग इन टू द स्कीम देर आर ऑफकोर्स देर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एनी न्यू स्कीम दैट इज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री बट गवर्नमेंट इज ट्राइंग एंड इट्स ट्राइंग इट्स बेस्ट टू प्रोवाइड फर्दर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर 4 years. What is important here is that not what will happen after 4 years, but yes, of course, what is going to happen in these 4 years. तो ये 4 साल अपन ने इदा देखने हैं कि आप अपने आप कि इंप्रूव कर सकते हैं एज आई हैव अ डीप नॉलेज अबाउट द आर्म्ड फोर्सेज आई एम फ्रॉम NCC एयर विंग आई हैव डन सी सर्टिफिकेट तो मैनू काफ़ी नॉलेज है इस बारे एंड वॉट आर्मी इज डिमांडिंग इज नॉट इट्स नॉट प्रोवाइडिंग जॉब्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट अ जॉब प्रोवाइडिंग ऑर्गनाइजेशन बट यस इट इज़ अ वॉलेंट्री ऑर्गनाइजेशन कोई भी आंदा है आर्मी विच वो अपनी मर्जी ना आंदा है तो जो ही सिलेक्टेड हुए वो अपनी मर्जी ना अपनी डेडिकेशन सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने यही अपॉर्चुनिटी हैगी है कि वो 4 साल में अपनी एक परसनैलिटी बना दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ लाइफ स्टाइल दैट द आर्मी इज़ प्रोवाइडिंग दैम तो जो 4 साल तो बाद अपॉर्चुनिटीज आनी वो इन्नी अपॉर्चुनिटीज होनी कि वो बंदा सोच भी नहीं सकता। वहीं जिस तरह से अग्निवीर को लेकर पूरे भारत में एक अलग सोच थी और ये सोचा जा रहा था कि अग्निवीर द्वारा जुड़ना एक गलत फैसला है और अग्निवीर के तहत सिर्फ 4 साल दिए जाते हैं तो नौकरी पक्की ना होने की वजह से लोग इसे गलत मान रहे हैं, उस पर ब्रह्मजोत कौर ने कहा कि भारत सरकार की ओर से 4 साल दिए जाते हैं लेकिन इन 4 साल के बीच वे बहुत कुछ कर सकते हैं जिससे वो आने वाले समय में भी नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे और साथ ही लगन के साथ अपना काम करेंगे तो जरूरी नहीं है कि 4 साल के बाद ही इसे अलग हो जाए और ये नौकरी छोड़ दें। इसके बाद भी सरकार आपके काम और आपकी मेहनत को देखती है और कुछ हिसाब से आपको आगे के मौके भी देती है। ब्रह्मजोत कौर युवाओं के लिए एक मिसाल बन गई है। पंजाब के युवाओं को उन्होंने संदेश दिया कि जहां एक तरफ पूरे पंजाब के युवा विदेश की ओर जा रहे हैं और लाखों रुपए लगाकर विदेशों में रहते हैं वहीं मेहनत करते हैं और उन्हें चाहिए कि भारत में अगर यही मेहनत और लगन के साथ चले तो भारत में भी हर मुकाम को हासिल किया जा सकता है। एक बार मेरा भी मन डोलिया भी बच्चों को बाहर भेजा पर जो विदेशों के हालात ने जो उत्थे जाके बच्चों वास्ते हुण उत्थे भी बहुत ही ज़्यादा औखा हो गया है चाहे बच्चे जा रहे हैं एक दूजे के चलन दे विच पर अज जो मेरी बेटी ने कामयाबी हासिल की अग्निवीर दे विच इसदा आपदा एक सपना भी सी जिस विच किते ना किते पिता पक्षों मैं पहला थोड़ा जा कमज़ोर भी रहा भी बेटी है फौज दे विच भेजनी है पर मैनू फौज दे महकमे दे विचों बहुत ज़्यादा सहायता मिली उन्होंने दसिया उत्थों दी पहली जिहड़ी सिलैक्शन हुई सी आर्मी सेना दी उहदे विचों कुछ लड़कियां नाल मेरी गल हुई सो ये प्राउड मूवमेंट है भी ये एक मैसेज भी है
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। वहीं ब्रह्मजोत के माता पिता ने बात करते हुए बताया कि वे पहले अपनी बच्ची को विदेश भेजना चाहते थे क्योंकि उनके रिश्तेदारों के बच्चे भी विदेश गए हुए हैं और उन्हें ये था कि ब्रह्मजोत को और विदेश जाकर अपना अच्छा भविष्य बना सकती हैं। लेकिन जब उन्होंने अपनी बच्ची की मेहनत और सपने को पूरा करने की लगन देखी तो उन्होंने अपनी बच्ची को सेना में भर्ती होने की परमिशन दे दी। जी पहला तो मैं बहुत ही खुश हूँ भी बच्चे सिलेक्ट हुई है जी, तो बस इन्ना ही कहना चाहूँगी कि बाहर ही हमेशा बाहर भी बहुत बच्चे जाके स्ट्रगल कर रहे हैं, बाहर भी कुछ है नहीं भी, मतलब जे उरे आपां बच्चों अगे बधाउणा वा आपां क्यों ना इंडिया च रह के पेरेंट्स दे कोल बच्चे रहिंदे ने, आपां नूं सब तो वड्डी तो यही गल हुंदी है। बाकी भी बाहर जाके भी बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, उन्होंने आसान नहीं हैगी उत्थे दी लाइफ भी, तो मतलब उरे ही इन्नी वधिया सरकार ऑपरचुनिटी लैके आई अपने लिए, फिर क्यों ना आपां इहदे विच अद्धी पहलो जी। बहुत ज़्यादा खुशी हुई, एक बार तो मेरा भी मन सी जिमें रिलेटिव्स वगैरह के सब दे गए हुए ने बच्चे, तो वो कह देंगे ने बच्चों को बाहर बाहर क्यों नहीं भेजिया, तो पर असी कह देंगे सी नहीं बच्चे ने, बच्चे आप भी खुद भी इनू शुरू तो ही मतलब आर्मी के भी इंट्रस्ट रहा, तो शुरू तो ही इनू सीगा कि मैं बाहर नहीं जाना है। इसी मुद्दे पर भाजपा प्रधान के उप प्रधान अरविंद खन्ना ने बच्ची और उनके परिवार को मुबारकबाद दी है और इसके साथ ही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अग्निवीर के जरिए लाखों युवा अपना भविष्य बना रहे हैं और सेना में जा रहे हैं, उसी के चलते वे संदेश बाकी युवाओं को देना चाहते हैं कि जहां एक तरफ विदेश जाने की होड़ लगी हुई है और पंजाब में बेरोजगारी की बात कही जा रही है, तो युवाओं को अपनी मेहनत और लगन से कुछ भी कर पाना संभव है। तो मैनू तो इन्नी खुशी हुई है कि इस लड़की ने अग्निवीर दे विच इनू भर्ती मिली है। यह संगरूर जिले की ऐसी पहली लड़की है जिन्हें उपराला चक्या तो इन्हें इनू भर्ती मिली है और पंजाब चो मैं दस रही थी हमने इन्हों फादर साहब दस रहे पंजाब चो पांच लड़कियां अग्निवीर दे विच मौका मिलिया से देश की सेवा करन दा और मैं बहुत ही खुशी है इस गल की, इस करके मैं इनू बधाई देना आया और मैं उम्मीद है कि इन्हों देख के होर भी साडे पंजाब दी लड़कियां और लड़के अग्निवीर दे विच हिस्सा लेने की कोशिश करांगे क्योंकि बहुत बड़ा उपराला है सरकार का और बिना सियासी गल्लां दे विच पै के मैं वैसे कह रहा बहुत बड़ा उपराला है और मेरे ख्याल में आने वाली पीढ़ी वास्ते बहुत वड्डी गल है, बहुत चंगी ट्रेनिंग भी मिलती है, तो मैं खुशी है कि इनू यह मौका मिले और मैं यही उम्मीद करदा कि जिन्हें आप इस गल नू हाईलाइट करांगे उहदे राही होर भी बच्चों इहदे विच